बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद नवीद आरिफ, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। फूड जोन में खुश आमदीद। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात शहर के एक बेहतरीन से रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद, और देखते हैं अंदर जाकर क्या इनके खानों में स्वाद है या नहीं। तो आइए चलते हैं। ले जी, अब हम स्वाद के किचन में आ चुके हैं, और किचन आपको बताएं कि इन्होंने सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। और अब हम बात करने वाले हैं इनके हेड शेफ़ से, और इनसे पूछते हैं कि ये आज कौन कौन सी स्पेशल डिशेस बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जायद मनास। आज हमें आप बताएं कि आप कौन कौन सी डिशेज़ हमें दिखाएंगे कि जो आपकी स्पेशल डिशेज हैं जो बन रही हैं, और आप हमें इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी दें। जी, ये हमारे स्पेशल चिकन हंडी है। तो ये बेसिकल हम दूध में बनाते हैं, ठीक है, तो मक्खन में बनाते हैं, मक्खन में तैयार करते हैं। और इसका मतलब है कि ये तो बड़ी लजीज बनती होगी फिर तो। हाँ, तो बकाया हमारा ड्राई फ्रूट होता है इसमें। तो ये हमारा चिकन हंडी है। तो ये क्या बन रहा है? ये स्पेशल हंडी है हमारी, स्वाद स्पेशल हंडी। स्वाद स्पेशल हंडी, इसके अंदर आप क्या क्या डालेंगे? ये हम इसके अंदर दूध डालेंगे और मक्खन में तैयार करेंगे इसको, तो उसके बाद ड्राई फ्रूट की इसके गार्निश करेंगे। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट के मैनेजर काशिफ साहब से, और उनसे पूछेंगे कि इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और इस रेस्टोरेंट की जो उन्होंने थीम चेंज की है, जो कि इससे पहले एक साल पहले इस तरह की नहीं थी, तो ये हमें बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट को इन्होंने किस तरह से दोबारा डिज़ाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने बिजी रूटीन के अंदर से थोड़ा सा वक्त दिया है। आपका अभी हाउसफुल चल रहा है और कस्टमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अभी हमने देखा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस रेस्टोरेंट को दोबारा से जो रीडिज़ाइन किया है, इसके पीछे क्या थीम है, और हम जहाँ बैठे हैं इस हॉल को आपने क्या एक नाम दिया है, क्या आपने थीम दी है? सर मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है यहाँ पर आए हुए, तो ये पहले ऐसा नहीं था। मैंने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। तो चोई साहब जो हैं हमारे नौशरवान विर्क साहब, उन्होंने बड़ा तावन किया है इस हवाले से, तो ये जो चीज़ हमने बनाई है उसमें कामयाबी हासिल हुई है। तो ये हमने नया सेटअप बनाया है जी, ये इसको बैठक का नाम दिया हमने। यहाँ बैठ के जो हमारे कस्टमर हैं वो ऐसे ही फील करते हैं जैसे हम घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो आपने हमें बताया कि ये बैठक जो आपने इसको बहुत अच्छा सा एक इमेज बना के रखा इसका, आप ये बताएं कि इसके अलावा कौन कौन सी सिटिंग्स हैं, और उनको आपने कौन कौन से नाम दिए, और उनके पीछे क्या थीम है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो सिटिंग है हमारी पीछे आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत लाइक करते हैं, यहाँ बैठने के उनको पसंद है ये चीज़। इसके अलावा पीछे हमारा फैमिली हॉल है, हमने बिल्कुल प्राइवेसी का जो है ना निज़ाम रखा हुआ है, ताकि आपको पता ही है गुजरात एरिया है, यहाँ पे लोग जो हैं फैमिलियाँ वो प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करती हैं, इस वजह से हमने पार्टीशन और बाकायदा ये चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि लोग यहाँ पे आएं और ऐसे ही समझें कि हम अपने घर में ही हैं, इंजॉय करें। आपके ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक बेहतरीन सा हॉल देखा है, जो कि मुझे लगा कि वो स्मोकर्स और जो शीशा लवर्स हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, आपने सही बुझा है इसको। ऊपर जो हॉल है हमारा वो मीटिंग के लिए भी है, और स्मोकर जो हैं वो हमने एग्जास्ट वगैरह वहाँ पे बाकायदा इस चीज़ को रखा हुआ है कि जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं वो वहाँ बैठ के इंजॉय करें, और वो बिल्कुल जो है ना ऐसा एक सिस्टम है कि आप जो मर्जी वहाँ बैठ के करें, बाहर उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी और आप बैठ के इंजॉय करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि हमने ऊपर आपका किचन देखा है, एक तो माशाल्लाह सफाई का बेहतरीन निज़ाम था, सब ने अपनी कैप SOP सारे फॉलो किए हुए थे, शेफ़ जो हैं हेड शेफ़ जो हैं वो उनके जो दूसरे शेफ़ हैं उनके ऊपर उनकी सुपरविजन में बाकी शेफ़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये बताएं कि आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी खाने कौन कौन से हैं, और यहाँ के कस्टमर्स को आपकी कौन कौन सी डिशेज़ ज़्यादा पसंद है? देखें जी, स्वाद की जो बेस है वो स्वाद का बारबेक्यू और राइस हैं। राइस जो हैं ये अरेबियन टाइप राइस हैं, ब्लैक पेपर सॉरी वाइट पेपर में ये बनते हैं, इसमें रेड मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, इसको पीपल बहुत पसंद करते हैं, और यही हमारी स्पेशलिटी है, इसको हम प्लेटर में देते हैं। इसके अलावा मटन नमकीन कढ़ाई जो है ये हमारी बहुत स्पेशल है, जो लोग मटन पसंद करते हैं वो। इसके अलावा चिकन में हमारी स्पेशल चिकन हांडी है, जिसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट और ब्लैक ऑलिव की जो है वो टॉपिंग करते हैं, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा कबाब हैं हमारे, रेशमी कबाब हैं, गोला कबाब हैं, मटन चॉम्प्स हैं, मतलब बारबेक्यू हमारा जो है वो
मैं ये देख रहा था अभी और मैंने वो सर्व भी किया है अपने एक दोस्त के लिए भी, कि जो एक ग्रीन कलर का बारबेक्यू का टिक्का लग रहा था जो कि बड़ा लाइम चिली बोटी है जी, वो हमारी सबसे फेमस बोटी है। वेरी गुड, ये मैंने गुजरात में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे नहीं देखी है। सर्दियों के हवाले से आपके रेस्टोरेंट में कौन सी स्पेशलिटी खाने जो हैं वो आप इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? सर्दियों में इंशाल्लाह सर हम जो है वो ग्रिल फिश रखेंगे, इसके अलावा फ़िश टिक्का, सूप हमारे जो हैं वो स्पेशल हैं, सूप के अलावा जो है वो कॉफ़ी, हमारे पास कॉफ़ी मशीन है नेस्कैफे, उसमें लाते है, उसमें कैपेचिनो है, उसमें जो है ब्लैक कॉफ़ी है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं हम। प्राइसेस के हवाले से इस रेस्टोरेंट की जो प्राइसेस हैं वो क्या आप समझते हैं कि इस क्लास के रेस्टोरेंट है उसके हवाले से दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ प्राइसेस ज़्यादा तो नहीं है कहीं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेस्टोरेंट आपने देखा है इसके लिहाज से अगर देखें तो इतनी प्राइसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो अपने घर से बाहर एक अच्छी एम्बियंस, अच्छा माहौल इंजॉय करने के लिए जाते हैं, साथ में अच्छा खाना इंजॉय करने के लिए जाते हैं, और ये कहते तो होंगे कि स्वाद में आए तो स्वाद तो आ गया खा के। बिल्कुल सर, बिल्कुल कह के जाते हैं कस्टमर हमें कि स्वाद पे आए तो स्वाद आ गया। कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं जिनकी स्पेस आप देते हैं? सर फंक्शन में हमारे पास जो है वो बर्थडे हो गए, इसके अलावा इंगेजमेंट हो गई, इसके अलावा जो है वो वैसे किसी ने अगर दावत करनी हो फैमिलीज़ की, इसके अलावा जो है वो कोई मीटिंग वगैरह हो तो वो भी हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब जो भी हमारे सिटीज़न न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं, आप ये प्रोग्राम देखकर आपके विज़िट करते हैं तो आप उनको कोई डिस्काउंट देंगे, एक्नॉलेज करेंगे? जी बिल्कुल सर, जो हमें आगे बताएगा कि हमने ये प्रोग्राम देखा है तो हम उसको ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर से, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का रेस्टोरेंट का विज़िट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा सर आपको यहाँ पर आना और यहाँ का खाना खाना? यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, वैसे भी हम ऑलरेडी आते हैं इधर फैमिली के साथ, ऑफिशियल मीटिंग्स भी हमारी इधर, फैमिली डिनर्स भी होते हैं, ओवरऑल इनका सेटअप भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं तकरीबन 3-4 साल। और इन्होंने ये सारे के सारी रेनोवेशन भी चेंज किया, ये कैसी लगी यार? रेनोवेशन चेंज है, बेहतर आगे से, पहले से काफ़ी बेहतर रेनोवेशन। और खाना? खाना बेहतरीन है इनका अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या ऑर्डर किया? आज अभी आए हैं, अभी ऑर्डर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आए हम अब आपकी बात करवाते हैं कि नन्नी मुन्नी सी कस्टमर से और उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खाया है? आइसक्रीम खाई है। पिज़्ज़ा खाया है? पिज़्ज़ा नहीं खिलाते बाबा? किसके साथ आई हो? मैं पापा ने पापा के। बाबा किधर है? अच्छा, आपको आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम से तो गला खराब हो जाता है। मैं बड़ी बार खाई है। बड़ी बार खाई है। मुझे तो लग रही है बहुत सारी भूख और मैं खा रहा हूँ अपना खाना और ये तो बहुत मज़े का लग रहा है, और आप भी यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली को लेकर आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ और मज़ेदार खाना इंजॉय करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और एपिसोड के साथ किसी और रेस्टोरेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।